फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ही करवा चौथ है और शॉपिंग बहुत लेट मैंने की इस बार, तो मैंने सोचा कि जल्दी से शॉपिंग का जो भी सामान है ना वो आपको दिखा देती हूँ शॉपिंग ब्लॉग। फिर भूतनाथ मार्केट का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया, मैं और स्वाति गई थी, और इस बार हम लोग ना कोई अचानक नहीं मिले, इस बार हम लोगों ने फोन पे बात कर ली थी कि शॉपिंग पे जाना है। तो कल मुझे जाना था लेकिन कल मैं भी बिजी हो गई, नहीं जा पाई, वो भी नहीं जा पाई थी। तो फिर आज हम लोगों ने प्लान 12 बजे से बनाते बनाते 3 बजे हम लोग मार्केट जा पाए और जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके वो अपने घर जल्दी से निकली, क्योंकि कल तो काम है ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को। और मैं इधर तुरंत निकल आई, मैंने सोचा चलो जल्दी से आप लोगों के साथ सामान भी शेयर कर देते हैं, वरना कल तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। और इसके बाद मैं मार्केट का वीडियो भी आज ही डाल दूंगी या फिर सुबह डाल दूंगी। अभी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये इयरिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और जैसे बैठे थे ना वैसे ही तुरंत वीडियो बनाने आ गए। पहले सोचा कि रेडी हूँ, फिर नहीं, जैसे मार्केट से आए थे वैसे ही। तो ये देखिए, ये ना इतने प्यारे मुझे लगे, ये ओनली 100 रुपीज में, बहुत खूबसूरत मुझे ये लगे। और स्वाति को भी चाहिए था लेकिन रेड कलर उसके पास एक ही था, तो फिर मैंने ले लिया। फिर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं पिंक और वाइट था लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना रेड कलर की साड़ी के पे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये। तो ये मैंने लिए और ये मुझे चाहिए ना था, क्योंकि कल तो मैं गोल्ड पहनूंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि देखती हूँ या तो यही वाला पहन लूँगी सेट, गोल्ड पहनूंगी लेकिन कान के यही पहन लूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद मैंने लिया ये काजल, मेरा ख़त्म था वो लिया मैंने, और ये एक हम दोनों लोगों, उसने भी लिया है मैंने भी लिया है, ये फ्लावर लिया है हम लोगों ने लगाने के लिए। देखती लगा कि कैसा लगेगा, अभी तो नहीं, जो पूरा प्रॉपर तैयार होगी ना ये अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा सा है। हम लोग छोटा ढूंढ रहे थे लेकिन छोटा उसके पास था नहीं, या फिर आप पूरा बन बना के ऐसे भी एक खाली ऐसे पीछे लगा लीजिए ना तो भी अच्छा लगेगा। देखती हूँ, अच्छा लगेगा तभी लगाएंगे, ले लिया है ये ऐसे, तो वीडियोस में भी अच्छा लगेगा ना, मेकअप वगैरह के वीडियो बनाते हैं ना उसमें भी अच्छा लगेगा ये। और ये सब सोच के नहीं गए थे लेकिन शॉपिंग हो गई तब भी हम लोगों की अच्छी खासी। ये नहीं था मेरे पास थिनर, मैंने लिया, और ये एक लिया है आर्टिफिशियल गजरा। तो देखते हैं बनाती हूँ या क्या करती हूँ, कैसे इसको लगाएंगे पता नहीं, बस ले लिया है। और बैंगल्स ना वो लेने गए थे हम लोग वेलवेट वाली, लेकिन उसके पास थी नहीं, तो फिर मैंने सिंपल ऐसे ही ले ली चूड़ियाँ कटिंग वाली जो होती हैं ये, कि फिर पहन लेंगे ना तो फिर दिवाली में भी ये काम आ जाएंगी, दिवाली में भी इनको पहन लूँगी। और गोल्डन कंगन ये सब मेरे पास है तो मैंने सिर्फ ये चूड़ियाँ ली, क्योंकि करवा में न्यू चूड़ियाँ मैं लेती हूँ, अधिकतर चूड़ियाँ होती हैं तब भी लेते हैं। पिछले बार मैंने वो लिया था चूड़ा, इस बार नहीं लिया चूड़ा। और ये मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया था, ये लिया मैंने किस ब्यूटी फिट स्किन, अच्छा होता है ये। और बिंदी ना मुझे इस टाइप की गोल ही पसंद आती है, कोई डिज़ाइन में नहीं, तो ये मल्टी कलर होता है ना, कई साड़ियों पे भी चल जाता है, तो ये मैंने ले लिया। और पूजा के सामान में तो बाकी तो जो वो सब चाहिए होता है चूड़ा गट्टा वो सब तो लिया ही, और करवा मुझे चाहिए था प्लेन, क्योंकि हम लोग क्या तो जो शादी में जो आता है ना उसी से पूजा करते हैं, मतलब जो मिलता है मम्मी के घर से, लेकिन वहाँ पर मिला नहीं इस बार मुझे प्लेन गौर के लिए, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये लिया है। काफी ढूंढा लेकिन प्लेन कहीं पे नहीं मिला, हर जगह पे यही वाले मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो क्या करना, पूजा ही तो करना है ना, ले लेते हैं, बाद में इसको कहीं डेकोरेट कर देंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखिए। और वैसे भी जो मैं प्लेन भी लाती हूँ ना उसको बाद में मैं डेकोरेट ही करती हूँ। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग छोटी सी। और हाँ, थोड़ी सी दिवाली की भी ली है लर वगैरह, वो मैंने नीचे रख दी। दिवाली का भी थोड़ा सा सामान लिया है, एक गेंदे की लर ली है, बहुत सही रेट में मिल गई थी वो, तो वो ले लिया है।
ये तो हो गई पूजा की तैयारी पूरी। और बाकी अभी पहनना क्या है वो नहीं सोचा कि शादी वाला लहंगा पहने या फिर दूसरा लहंगा पहनूं। तो मतलब इस बार सोचा था कि सिल्क का लहंगा ले लेंगे लेकिन नहीं ले पाए, तो अब सोच रहे हैं कि शादी वाला ही लहंगा पहन लेते हैं, उसमें मेरे ये भी चल जाएंगे। ये मुझे एक नज़र में, और उसके पास इतने प्यार प्यारे झुमके थे, मैंने वीडियो बनाया, मैं वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे झुमके थे उसके पास। तो मुझे वीडियो में भी ज़रूरत पड़ती रहती है ना इस टाइप के बड़े इयररिंग्स की, तो उसमें भी काम आएगा और मेरी कई साड़ियों पे भी चल जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, कैसी लगी? और हाँ, मेहंदी भी लग गई है, ये देखिए मैं मेहंदी लगवा के तब गई थी। अभी ये जो होता है ना ये मुझे भरना है। नेल पेंट वगैरह सब न्यू रखी थी, लिपस्टिक नेल पेंट सब कुछ, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेहंदी लगवाई और यही थोड़ा सा सामान लिया, पूजा का थोड़ा सा सामान लिया बस। उसके बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली आई, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। और अभी कल की भी तैयारी करनी है, तो बस ज़्यादा वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करूँगी, अभी मार्केट का भी अभी एडिट भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, कैसी लगी ये छोटी सी शॉपिंग मेरी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं अभी डाल दूंगी, तुरंत पोस्ट कर दूंगी इसको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।